भर कर जियो, मना नहीं है। पूरी दुनिया को तुम मन भर कर जियो, मना नहीं है, पर दुनिया को मन में मत भरो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। दुनिया को मन भर कर जियो, ये हमारा शास्त्र कहता है, मना नहीं, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, दुनिया को खूब मन भर कर जियो, पर दुनिया को मन में मत भरो। आसक्ति, काम, लोभ, तृष्णा, वासना, ये सब अपने भीतर नहीं उतारना। थोड़ा परमात्मा देने में देरी कर सकता है, होता है। आप एक बार पशुपति व्रत कर ली और सोचा कि भगवान मुझे सब कुछ दे देगा। आपने दूसरा पशुपति व्रत करा, विचार करा कि मुझे भगवान देगा। हो सकता है कि किसी को एक व्रत में भी दे दे और किसी को दो व्रत में भी दे दे और किसी को तीन व्रत में भी दे दे और किसी को चार व्रत तक भी ना दे। एक बार देवाधिदेव महादेव ने नंदी से कहा, जाओ नंदी, आज मैं काशी में आकर काशी वालों को खूब फल बांटने वाला हूं। जाओ नंदी, सबको सूचना दे दो कि मैं काशी में फल बांटने के लिए आ रहा हूं। मेरे पास में बहुत सुंदर फल है, मेरे पास में सेब है, एप्पल है, और मैं काशी में जितने भी लोग रहते हैं, मैं आज पूरे गांव में, पूरे नगर में ये फल बांटूंगा। काशी में सूचना मिल गई सबको, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान फल बांटने वाले। सब काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उस दिन शिव खुद प्रकट होकर फल बांटने वाले। पूरे काशी में सूचना है कि शिवरात्रि है, शिवजी ने नंदी के द्वारा खबर पहुंचाई है कि आज मैं फल बांटूंगा। लाइन से खड़े, और कौन नहीं चाहता कि शंकर जी के हाथ का फल मिले। सबकी इच्छा होती है कि शिवजी के हाथ का फल हमको प्राप्त हो। हर व्यक्ति के दिल की इच्छा होती है कि शंकर भगवान के हाथ का कुछ फल हमको मिल जाए। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे इस पवित्र पंढरपुर की धरा से, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र पंढरपुर की भूमि पर, चंद्रभागा के तट पर लाखों की संख्या में जितने भक्त सुन रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। आपका भी मन करता है कि हमें गुरु जी के हाथ से कुछ मिल जाए, या मंदिर से कुछ मिल जाए, या भगवान के हाथ से कुछ मिल जाए, या किसी के हाथ से कुछ मिल जाए। आपका भी दिल करता है, आपका भी मन करता है, पर शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि मात्र गुरु का दर्शन हो, मात्र शंकर भगवान के शिखर का दर्शन हो, या पवित्र नदी के जल की रज का भी स्पर्श हो जाए, तो ये समझ लो कि गुरु और शिव की कृपा से ही आपको प्राप्त होती है। ये गुरु और शिव की ही कृपा से आपको मिला। पूरे काशी में सूचना मिल गई कि आज भगवान शंकर फल देंगे अपने हाथों से। लाइन लगी, ढेर भीड़। बहुत भीड़ हो रही है।
एक लड़की छोटी सी 6 वर्ष की उसकी उम्र है, 6 वर्ष की उसकी उम्र, और वो भी फल लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। लाइन में चलते 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 सबको फल मिल रहा था, तो शंकर जी ने उसको भी दिया। लड़की ने फल लिया, जैसे ही लड़की फल लेकर बाहर गई, उसके सामने एक बड़ा सारा गटर थी, खड्डा था, हाथ में जो फल था वो गिर गया, गटर गया। बेटी उदास हो गई, मेरा फल गटर में चले गया, गंदगी में चला गया, अब क्या करूं। उसने कहा दूसरा ले लेती। दूसरा फल लेने के लिए लाइन में लगी, तो लाइन जो दूसरी वाली थी वो इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी कि उसको घंटों तक खड़ा रहना पड़ा, फिर भी लगी रही। चलते 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 थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शंकर जी के जो फल की डलिया है वो तो कम होती जा रही है, मैं जाऊंगी जब तक तो सब खत्म हो जाए। उसको ये नहीं मालूम कि शंकर जी की फल की डलिया कभी खत्म होती ही नहीं है, पर वो तो बच्ची है ना, वो तो बालिका है, वो तो बच्ची का भाव है, बच्चों का भाव है कि फल खत्म होने वाला है, फल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। बहुत लाइन में लगी, भगवान लाइन में लगती 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 आखिर में वो शंकर जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने उसको फल दिया, फल देकर शंकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा बेटा तुम्हारा फल गंदगी में चले गया था, गटर में चले गया था, तुम बड़ी दुखी हुई थी। हाँ आपको कैसे मालूम? भगवान बोले अच्छा हुआ वो फल गिर गया, क्योंकि वो फल पूरा सड़ा हुआ था, सड़ा हुआ फल था, अच्छा हुआ वो गिर गया। बेटा तुमने फल लिया, पर बहुत लंबा समय हो गया लाइन में लगे 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 लगे, इतना घंटा इतना समय, बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगा, पर इतना समय बाद मुझे फल की प्राप्ति हो। इतने समय के बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई, ले ओ फल जाओ। शंकर जी ने कहा अब तुम्हें वो सड़ा हुआ फल तो तुम्हारा चले गया, तुम्हें लग रहा था कि फल की डलिया भी खाली हो रही है, फल की डलिया भी खाली हो गई थी, पर तुम्हारा जब नंबर आया तब पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। शंकर भगवान उस बेटी को विदा कर देते हैं और ये कथा हमारे जीवन को दे जाती है, शिव जी की ये कथा, कि कभी कभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, हमारा किसी कंपनी में जॉब लगने वाला होता है, कभी कभी हमारे कहीं अच्छी जगह संबंध होने वाला होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी वहाँ होने वाली है, मेरे बेटे का संबंध वहाँ होने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा मकान बनने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा ये काम अब चुटकियों में हो जाएगा, 8 दिन में मेरा काम समझ जाएगा, पर वो काम तुम्हारा नहीं होता है तो समझ लेना शिव जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया, वो शंकर जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। अब तुम फिर मेहनत करो, अब मेहनत करोगे तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है, 1 पशुपति व्रत करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, थोड़ा समय लग सकता है। फिर मेहनत करो और मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है फिर वो फल बासी नहीं होता, सड़ा हुआ नहीं होता, वो फल ताजा ही मिलता। हम जल्दी हार जाते हैं, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं, और इतनी जल्दी हम हार मान लेते हैं, इतनी जल्दी हार जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ये समझ लेते हैं कि अब हमारा जीवन बेकार है और हम हमारे प्राणों को छोड़ दें। ना,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के सामने विष का कटोरा रखा था और उन्होंने विष पिया। जितना अमृत पीने वाले देवताओं का नाम आज तक लोग नहीं जानते, उतना विष पीने वाले का नाम बच्चा बच्चा जानता है। डेकैथलॉन 60+4 6000। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। विष पीना कोई साधारण विषय नहीं है, विष पीना कोई साधारण सी बात नहीं है। थोड़ी देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता है, कोई ने तुमसे कह दिया कि दान करो तो पुण्य मिल जाएगा, तुमने दान करा, पंखे की पंखड़ी पे नाम लिख दिया सुशीला भाई, पंखा घूम रहा है तो सुशीला भाई भी घूम रही है, चली गई फिर भी आज तक घूम रही है। कोई ने कहा भूखे को भोजन कराओ तो तुम किसी भूखे को लेकर आए और भोजन करा रहे, और भोजन कराते कराते कह रहे हो क्यों आज तक तुमने कचौड़ी खाई, वो तो मैंने खिलाई। वो भोजन कराना व्यर्थ, वो व्यर्थ। पंखे पर नाम लिखा दिया, टीवी पर नाम लिखा दिया, वो व्यर्थ, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ कथा के मंडप में एक बहन बैठी हुई है, आपके महाराष्ट्र की ही है, हम तो इतना स्मरण उनका गांव नगर का नहीं जानते, पर वो जब भी कुबेरेश्वर धाम आई है तो उसने आने पर, कुबेरेश्वर धाम पर पानी की बड़ी कमी रहती थी, तो वो बहन जब आती थी तब एक बोर करा कर जाती थी। वो यहाँ बैठी हुई कहाँ है, जरा खड़ी हुआ कहाँ है, अच्छा इधर है क्या, यहाँ बैठी हुई। तो एक बोर वो हमेशा एक ही बात कहती थी, गुरुजी अपने धाम में, बाबा के धाम में बोर लग जाए ना तो थोड़ा पानी आ जाए तो शिव को चढ़े, ये क्रम था। कोई लेखन ही नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज हमारे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर जी हैं जब आपने देखा ही नहीं है। तो हमने उस बच्चे से कहा तुझ में बुद्धि है, तो वो बोला है। हमने कहा दिखा, जैसे बुद्धि है पर दिखती नहीं है, वो बुद्धि से काम कर सकता है, उसी तरह महादेव है, दिखता नहीं है पर वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता, वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता है, वो है। बस हमारे नेत्र हमको ऐसे चाहिए जिससे वो हमारी पहचान कर सके। नेत्रों से जना भाई श्री नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को, जना भाई नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जना भाई की माता जी करुण और उनके पिता दमा, दोनों के अलग अलग भाव थे। जना भाई की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना रहती नहीं थी, और जनाबाई के पिता दमाजी भगवान हरि विट्ठल का नाम लिए बिना रहते नहीं थे। जरा विचार करिएगा, जरा अपनी बुद्धि में इस कथा को उतारिएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान शिव को मानेंगे,
और जरूरी नहीं कि पूरे घर के लोग राम जी को मानेंगे, विट्ठल को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, या दुर्गा जी को मानेंगे, या देवता जी को मानेंगे। उसकी जहां रुचि होगी वो उसको मानेगा। टमाटर फ्रेश है ना? एकदम फ्रेश। Over 200 fruits and vegetables delivered fresh to your home.